हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो न्यू ईयर पार्टी के लिए। आज न्यू ईयर है तो पहले तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अमेजिंग हेयर स्टाइल्स जो कि न्यू ईयर पार्टी में आप बना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा, तो इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुले बालों वाली हेयर स्टाइल बता रही हूँ, वीडियो देखते जाइए, आपको अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल की वीडियो मिले हेयर स्टाइल मिलेगा मेरे इस वीडियो में न्यू ईयर पार्टी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल इजी है, इजी और स्टाइलिश लगेगा सारा हेयर स्टाइल। तो सिंपली पहले यहाँ से इस तरीके से अपने एयर को लेना है, अपने आईब्रो के आँच से दोनों साइड से लेना है। देन एक रबड़ बैंड लगा देना है ब्लैक कलर का। रबड़ बैंड को आप देख सकते हो थोड़ा सा लूज मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद रबड़ बैंड का जो ऊपर का हिस्सा है उसको छोड़ देना है, यहाँ से नीचे वाले हिस्से को लेना है। देन इसको इस तरीके से टाइट कर लेना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपके बालों में बाउंसनेस आ जाएगी और थोड़ा वॉल्यूम आपके बालों का अच्छा दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से करने के बाद से पहले अपने लेयर्स निकाल लेने हैं। जो भी आपको फेस पे लेयर्स रहता है तो आपके फेस का लुक थोड़ा अच्छा दिखता है, तो मैं लेयर्स निकाल लेती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। फिर सेकेंड आपको क्या करना है, लेयर्स निकालने के बाद से इधर से हेयर को लेना है। देन इसके दूसरे साइड से भी हेयर को इस तरीके से उठाना है, फ्रंट वाले हेयर को आगे की तरफ छोड़ देना है। देन बैक में इस तरीके से हेयर को लेना है और कॉम कर लेना है। कॉम करके अगेन एक रबड़ बैंड आपको यहाँ पे लगाना है, अच्छे से कॉम कर लीजिएगा कहीं से भी स्कैल्प ना दिखे। इस तरीके से और रबर बैंड को लगाना है। रबर बैंड लगाने के बाद से इस तरीके से करके हेयर को छोड़ देना है। देन ऊपर वाला जो हेयर था आपका उसको पकड़ना है और इसके अंदर से इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करके सारे हेयर को इसके अंदर इस तरीके से निकाल लेना है। देन इस साइड से आपके जो हेयर का ये लास्ट वाला पॉइंट था इसको खींच देना है जिससे कि ये आपका टाइट हो जाए और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। देख सकते हो काफ़ी प्यारा है और आपका फ्रंट ऊपर वाला जो रबड़ बैंड था वो भी हाइड हो चुका है एंड थोड़ा सा न्यू है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला हेयर स्टाइल। तो खुले बालों में पहले आप ये भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। कहीं से भी ये देख लीजिएगा कि आपका जो स्कैल्प है वो नहीं देखे और इस तरीके से हेयर को खींच लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपके फेस पे पफ अच्छा लगता है तो। ये है ना बहुत ही इजी सा हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल न्यू ईयर पार्टी के लिए बन के रेडी हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है ये वाला हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लेयर्स ज़रूर निकालिएगा उससे। जैसे आप फोटो वगैरह क्लिक करते हो, न्यू ईयर पार्टी है तो फोटो वगैरह तो क्लिक होगी ही, लेयर्स रहते हैं तो अगर आपका फेस ब्रॉड है या फिर राउंड में है तो आपका थोड़ा सा फेस को फ्रेम मिलता है जिसकी वजह से आपका जो फेस का लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, इजी सा एंड क्यूट सा न्यू ईयर पार्टी के लिए हेयर स्टाइल। आप चाहो तो फ्रंट पे भी अपने हेयर्स को इस तरीके से रख सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। आपको अगर ये वाला जैसे मैंने बनाया हुआ है तो यहाँ पे अगर आपका हेयर होल्ड नहीं हो रहा है, जैसे रबड़ बैंड दिखने लग जा रहा है, तो एक यू पिन लेके आप सिंपली इस तरीके से इंसर्ट कर दोगे तो आपका हेयर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं सरकेगा एंड आपका लुक वैसे का वैसे रहेगा। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको अपने जो आपका फ्रंट का हेयर है वहाँ से थोड़ा सा हेयर लेना है। देन इसमें एक सिंपल सी ब्रेड बना देनी है, थोड़े थोड़े हेयर को दोनों साइड से लेके। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से बनाएगा, बिल्कुल जल्दी 5 मिनट में आपका ये हेयर स्टाइल क्विक बन जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो तो सिर्फ 1 मिनट में आपका हेयर स्टाइल बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से लेके फ्रेंच ब्राइड आपको यहाँ पे बना देना है, अपने क्राउन एरिया तक इस ब्रेड को बना के लेके जाना है।
आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है हमारा अभी से ये हेयर स्टाइल, तो बनने के बाद और भी क्यूट सा लुक आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया है। बाकी बचे हेयर में इस तरीके से चोटी गूंथ लेंगे पूरा एंड तक। पूरा चोटी गूंथने के बाद एंड पॉइंट पे एक रबड़ बैंड लगा देना है, छोटा वाला, पतला वाला जो रबड़ बैंड आता है। अब अपने हेयर से मैच होता हुआ रबड़ बैंड लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे ब्लैक रबड़ बैंड यूज किया है। और थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच के थोड़ा सा इसको वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से खींच लेने से। अब आपको दोनों साइड से अपने हेयर को लेना है। और ऊपर ले जाके जो आपने ब्रेड बनाई थी उसको भी साथ में ले लेना है और लेयर्स को निकाल लेना है। अगेन पार्टी लुक है तो लेयर्स अच्छे लगेंगे, चाहे आपका फेस लुक कैसा भी हो, ब्रॉड हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आप लेयर्स निकाल लीजिएगा और लेयर्स को स्ट्रेट कर लीजिएगा। ओके, विदाउट ऐसे स्ट्रेटनिंग के अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कर्ल्स हैं मेरे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो आप स्ट्रेट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा। अब आपको क्राउन एरिया पे रबड़ बैंड लगा देना है। और थोड़ा थोड़ा सा साइड से इस तरीके से खींच लेना है जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है उसका लुक अच्छा आए और थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे बालों में। चिपका हुआ फ्लैट लुक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फ़ोटो वगैरह में। तो इस तरीके से आप चाहो तो थोड़ा सा हेयर लेके और ये इस तरीके से रबड़ बैंड को हाइड करके एक यू पिन से इसको होल्ड कर देना है। यू पिन या फिर टिक टैक क्लिप से पीछे की तरफ यहाँ पे सिक्योर कर देना है। और ये हमारा सेकंड न्यू ईयर पार्टी के लिए हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो, तो है ना, थोड़ा सा यूनिक सा एंड स्टाइलिश सा आपका सेकंड न्यू ईयर पार्टी के लिए जो हेयर स्टाइल है वो बन के रेडी हो गया यहाँ पे। और इजी क्विक हेयर स्टाइल्स हैं ये सारे, तो आप लोग ज़रूर ट्राईगा। न्यू ईयर पार्टी में जिसको भी कन्फ्यूजन है हेयर स्टाइल बनाने के लिए तो ये सारे हेयर स्टाइल उनको शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में क्या करना है, टिक टिक क्लिप को रिमूव कर लेना है। देन इसको हेयर को पूरा अच्छे से इस तरीके से करना है एंड इसको ट्विस्ट करना है। हल्का हल्का ट्विस्ट करके सिंपली इस तरीके से एक बन बना देना है, बिल्कुल लूज बनाना है ताकि आपका जो बन है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। ओके, और यू पिन से इसको सेट कर लेना है। दो चार यू पिन ऐड कर दीजिएगा जिससे कि आपका जो बन है वो खुले नहीं और लॉन्ग टाइम तक, पार्टी है तो डांस वांस सब चलेगा, तो लॉन्ग टाइम तक आपका हेयर स्टाइल बना रहे। और बहुत सारी हाई बंस की वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको ओपन हेयर पसंद नहीं है तो आप वो बन ट्राई कर सकते हो पार्टी के लिए। मेरे चैनल पे आपको इजी एंड स्टाइलिश हेयर स्टाइल ही मिलते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया जो कि न्यू ईयर पार्टी में आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत ही ईजी है। तो आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए ये सारे हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारे और एंड स्टाइलिश हैं। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपका रबड़ बैंड ऐसे दिख रहा है तो आप हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ से ले जाके और एक यू पिन ऐड कर देना जिससे कि आपका रबड़ बैंड जो है वो हाइड हो जाए। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में सिंपली आपको लेना है अपने पूरा हेयर को, ईयर टू ईयर से अपने हेयर को ले लेना है इस तरीके से।
और हेयर लेने के बाद से आपको अच्छे से कॉम कर लेना हेयर में। साइड से पार्टीशन लेने के लिए इस तरीके से हेयर को निकाल लेंगे, अगेन कॉम कर लेंगे। ओके, इसके बाद से आपको थोड़ा सा हेयर को ट्विस्ट करना है। अगर आपका हेयर ऐसे होल्ड नहीं होगा तो आप इस तरीके से सिंपली एक क्लचर ले लीजिएगा, इस तरीके से। क्लचर लेने के बाद से आपको सिंपली पीछे की तरफ से इस तरीके से हेयर को ट्विस्ट करना है। ये पतले बालों में भी बना सकते हो, और इस तरीके से पुल आउट करना है जिससे कि आपके बालों को इंस्टेंट जैसे पफ बन जाए। और इस तरीके से आपको क्लचर लगा देना है। ये आपका एकदम बहुत ही कंफर्टेबल एंड अच्छा लगता है और बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। ओके, तो ये हमारा पफ बन गया है। अभी क्या करना है, हमारा जो साइड से हेयर दिख रहा है, साइड से जो हेयर हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं, हेयर फॉल की वजह से निकल जाते हैं बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा। तो आपको कॉम पे हेड सेटिंग स्प्रे लेना है, देन अच्छे से कॉम कर देना है जिससे कि आपका लुक एलिगेंट दिखे एंड हेयर स्टाइल भी अच्छा लगे। तो ये हो गया। देन आपको ये जो आपका लेयर है, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आपको फेस पे हेयर पसंद नहीं है तब आपको क्या करना है, ये लेयर्स को इस तरीके से सिंपली बैक साइड में लेके जाना है। ओके, थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए, अगर आपका फोरहेड बहुत ब्रॉड है तो, और एक टिक टेक क्लिप से इसको सिक्योर कर देना है। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, जो कि न्यू ईयर पार्टी में काफ़ी अच्छा लगेगा एंड बहुत इजी है, कोई भी बना लेगा। एंड सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप बना लोगे इस तरीके से। तो चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपको हेयर को ओपन नहीं रखना है तो आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में, सॉरी, आपको सिंपली जैसे मैंने अभी फोर्थ हेयर स्टाइल बताया उसी तरीके से आपको हेयर को लेना है। देन इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के टिक टेक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से इस तरीके से सिक्योर, थोड़ा सा पफ का लुक दे देना है और टिक टेक क्लिप से सिक्योर कर लेना है इसको। जब भी आपने बालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली है तो आप बालों को सेट करते वक्त क्लिप्स को कुछ इस तरीके से लगाइए क्रॉस करके। ओके, तो उससे आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा और आपका जो क्लिप्स है वो भी नहीं निकलेगा और हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक बना रहेगा। और आप इसमें 3-4 क्लिप्स ऐड कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये हो गया। देन इस साइड के हेयर को बैक साइड में लेके जाना है और ये हेयर जो मैंने बताया था सेटिंग स्प्रे से अगेन आप सेट कर लीजिएगा ताकि जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना लगे। अभी सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड एक पोनी बना देनी है, हाई पोनी यहाँ पे बना लेनी है। तो यहाँ पे एकदम हाई पोनी टेल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अगर आपको आपका क्लिप पोनी के अंदर आ जाए तो क्लिप्स को निकाल के दोबारा से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने क्लिप्स को निकाल के दोबारा से ऐड कर लीजिए। ओके, थोड़ा थोड़ा मैं हेयर को खींच ले रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे पफ का लुक जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने फेस पे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पफ बनाऊँ। अब आपको इस साइड के हेयर को सिंपली बैक साइड में लेके जाना है। आप चाहो तो अगर शॉर्ट हैं आपके बैंक्स तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और लॉन्ग हैं मेरी तरह तो आप पीछे की तरफ ले जाके इस तरीके से सिक्योर कर सकते हो। एक टिक टेक क्लिप ले लो या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको बैक साइड हैं सिक्योर कर दो। अभी जो बैक का हेयर है, अगर आपको पोनी अच्छी लगती है तो आप पोनी करके छोड़ दीजिए, और अगर आप पोनी नहीं कर सकते हो, हेयर जो नीचे से हेयर की क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है। और चाहो तो आप एक क्लचर की मदद से अपने बन को थोड़ा सा
हैवी लुक देने के लिए यहाँ पे क्लचर को इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ओके और इस तरीके से हेयर को बैक साइड में ले जाके कॉम कर लेंगे, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल अच्छे से बन जाए। इस तरीके से बना के क्लचर को पूरा हाइड हो जाए उतना हेयर इस तरीके से लेना है। देन एंड पॉइंट पे एक रबड़ बैंड लगा देना है पतला वाला। रबड़ बैंड लगाने के बाद से यू पिन लेना है। यू पिन को इस तरीके से रबड़ बैंड के अंदर से इस तरीके से करना है और सारे हेयर को अंदर की तरफ हाइड करते हुए यू पिन को ऐसे लगा देना है। 3-4 यू पिन्स लगा दीजिएगा जिससे कि आपका हेयर स्टाइल है वो खुले नहीं। तो आप अपने क्लचर की मदद से भी अपने पतले हल्के बालों को एक अच्छा सा वॉल्यूम दे सकते हो, अपने हेयर स्टाइल को अच्छा लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से हाई बन बना लिया है और अपने हेयर को थोड़ा थोड़ा और खींचूँगी आगे की तरफ। और यहाँ पे मेरा हेयर थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है तो इसके लिए मैं एक और बॉबी क्लिप लूँगी और अपने हेयर्स पे इस तरीके से लगा दूँगी जिससे कि जो मेरा हेयर स्टाइल है वो अच्छा लगे और मैं पार्टी में बिल्कुल कंफर्टेबल रहूँ। तो इस तरीके से लगा दिया है। तो ये हमारा 5वां एंड लास्ट हेयर स्टाइल था, जो कि बहुत ही सारे हेयर स्टाइल बहुत ईजी हैं, कोई भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही परफेक्ट हेयर स्टाइल बनाता है वही बना सकता है, कोई भी बना सकता है। देन अगेन आपको अपने पतले वाले कॉम पे हेयर सेटिंग स्प्रे लगाना है एंड नीचे के हेयर्स को इस तरीके से कॉम कर लेना है। अगर फिर भी आपके हेयर बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो आप बॉबी क्लिप लेके यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हमारा 5वां हेयर स्टाइल हो गया, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड जिसको भी खुले बाल पसंद नहीं है वो ये ट्राई कर सकता है अपने न्यू ईयर पार्टी को कंफर्टेबल से मतलब बिताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इस तरीके की वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टा आई डी PreetyBhai24 है तो वहाँ पर भी ज़रूर जाइए, वहाँ पर मेरी कॉमेडी रील्स फनी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।